नहीं देखिए कलर बहुत चेंज हो रहा है, मैंने बीच में कट कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स आज कुछ नया सीखते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैलिड इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ग्रीन टी के ऊपर हम लोग इंसान के ऊपर तो जानते हैं, हम लोग खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्थ ड्रिंक, क्योंकि पानी के बाद अगर कोई भी लिक्विड चीज़ का जिक्र होते हैं सारा संसार में, मतलब सारा संसार का मतलब आपका मेरा संसार नहीं, पूरा एंटायर वर्ल्ड में, वो है टी। लेकिन मिल्क टी बोलिए या ऐसे कोई टी हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क बर्ड्स के लिए हानिकारक है। लेकिन ग्रीन टी इंसान के लिए भी हो, चाहे वो बर्ड्स के लिए हो या एनिमल के लिए हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये किस टाइम पे देना चाहिए, विंटर आ रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये बोल सकते हो इंटर साल में ग्रीन टी बर्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि देखिए एक फीलिंग्स होता है, आप जैसे जैसे हम लोग क्या है, फील से बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप सही से आप फील नहीं कर पाओगे तो बहुत कुछ इग्नोर हो जाता है। ये मेरा गेल नहीं, मैं लिप्टन का या बुकबॉर्न का ग्रीन टी में प्रोवाइड करता हूँ। अभी मेरे पास लिप्टन का है, ग्रीन टी विथ हनी। कैसे बना सकते हैं अगर हो सके मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दूँ, कल आप जब प्रोवाइड करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे बर्ड्स, अब अगर आप ब्रीडिंग टाइम पे, प्रेगनेंसी नहीं ब्रीडिंग टाइम पे या नॉन ब्रीडिंग टाइम पे, कोई भी ऑफ ब्रीडिंग टाइम पे कभी भी ग्रीन टी को आप लोग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विंटर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आपको प्रोवाइड करने से आपको बहुत सारे बर्ड्स फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन टी बर्ड्स को प्रोवाइड करने से, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन शांतनु बर्ड्स के चैनल पे आप लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन हर दिन मिल रहा है। आप लोग कैसे ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, ये आप लोगों के ऊपर है। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आना। क्योंकि बर्ड्स का जब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा तो ग्रीन टी सामने आया, और ग्रीन टी को भी मैंने बाहू को भी रिसर्च किया, जो ये बर्ड्स को हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कौन से बर्ड्स को दे सकते हैं, तो ये सारे चीज़ इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये फिंच लेके अप टू मैकाओ तक सभी को दे सकते हैं, क्योंकि चाय ऐसे ही जो लिप है, लिप को अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट बर्ड्स को मिलता है, ये हम आज बात करेंगे। देखिए बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी फॉर आवर बर्ड्स अगर सोचे तो ये पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए बहुत बेहतर है, एंटी इंफ्लेमेटिव है। मान लीजिए बॉडी में कोई भी किधर भी इंटरनली सूजन हो या एक्सटर्नली सूजन हो, या बहुत दिनों से कुछ चल रहा है, सूख नहीं रहा है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज़ उससे मिलते हैं। दूसरा ये एंटी बैक्टीरियल भी है, क्या बैक्टीरियल अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ ये मर्द है, क्योंकि ग्रीन टी पीने से आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी ग्रो होता है। मेरे बात पूरा सुनने के बाद कहीं पे किस भी पोर्शन पे डाउट रहे, पहले जैसे आज भी बोल रही हूँ, डॉक्टर के साथ वेरीफाई कर सकते हो। जो ग्रीन टी हम लोग बर्ड्स को, मतलब ग्रीन टी का बेनिफिट क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, खाने से पीने से क्या मिलता है हम लोगों को, लेकिन ये बर्ड्स के लिए कितना, इतना भरोसा आप दे सकता हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिस, मतलब अगर मान लीजिए मैं क्या बोलेंगे, कुछ माइंड मत कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर ड्रिंक करके भी बैठे, मैं बहुत दूर हूँ उससे, फिर भी हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल से आप लोगों को मिलता है, इसीलिए आप लोग ही फ़ोन करके ज़्यादा पूछते हो। कल ही एक भाई ने, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रही हूँ, जंप कर रही हूँ, जानबूझ के जान कर रही हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि नहीं तो कमेंट्स आ जाएगा, मैं जंप कर लेता हूँ बहुत जल्दी एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, इसके ऊपर रिलेटेड है इसीलिए बोल रही हूँ, इसके ऊपर नहीं, मेरे इन्फॉर्मेशन से। गोबरडांगा में एक भाई रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हर दिन एक ना एक वीडियो, मत सॉरी मीनम सॉरी मैंने गलत बोला, 10-12 ऐसे कॉल्स आते हैं, दादा बहुत दिन बाद फ़ोन किया, मैंने पूछा क्यों, बोला तो आपके दिशा में जो आपने बताया उसी दिशा में चलने के बाद बर्ड्स का सही से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसे आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, जो आप कैसे हो। तो ये इसीलिए बोल रही हूँ, कभी किसी ने कभी भी कोई भी वीडियो से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा वीडियो लॉन्ग हो, लॉन्ग का मतलब लेंदी हो, या कभी कभी मैं टॉपिक के ऊपर, ये निर्भर करता है, मैं इसे इसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ जो आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, उसके लिए तो शॉर्ट चैनल बना चुके हैं, 3 मिनट के ऊपर नहीं जाते वीडियो। तो ग्रीन टी लेने से एंटी बैक्टीरियल है, इन्फॉर्मेटिव है, और उसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी पीने से आपका बर्ड्स का जो ग्लेसनेस है
फेदर का बोलिए, स्किन का बोलिए, बहुत ही हमेशा बरकरार रहता है, मतलब वो स्टेबल होता है। मोल्टिंग टाइम पे ग्रीन टी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, जो इस टाइम पे जो इसमें बहुत सारे विटामिंस होता है, मिनरल्स भी होता है, और मतलब जो जो एक बार्ड्स को शरीर में चाहिए उसका एक कुछ ना कुछ पोर्शन इस ग्रीन टी में हमेशा मिलते रहते हैं। बर्ड्स का हार्ट के लिए समर सीजन में या इस टाइम पे रेनी सीजन में जिसका छत में सेटअप हो उस टाइम पे मान लीजिए जो बर्ड जो ब्रीदिंग मुंह से लेते हैं, ब्रीदिंग के लिए स्टेबिलिटी आने के लिए आप ग्रीन टी उस टाइम पे भी ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हो, दिन में एक बार करके। सप्ताह में मोटा मोटी 4 या 5 बार, विंटर में मैं तो हर रोज़ प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग ऐसे मत कीजिए, अगर हैबिट नहीं है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हैबिट करवा के आप दे सकते हो। सिर्फ आज हम ग्रीन टी के ऊपर बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे टी है जो चाय बोला जाता है जिसको हम लोग जैसे हर्बल टी, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज हम ग्रीन टी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एंटी स्ट्रेस भी है, मतलब आपका बर्ड्स मान लीजिए डिप्रेशन में है, ज़्यादातर ये ब्रीडिंग टाइम पर बर्ड्स बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं या स्ट्रेस महसूस करते हैं या एग्रेसिव हो जाता है। अब अगर दिन में कोई भी, रात में नहीं, रात हम सुबह से लेके दोपहर तक के बात बोल रही हूँ, मैं जो जब प्रोवाइड करता हूँ मान लीजिए सुबह के टाइम पे, कभी मतलब दिन में सारा सप्ताह में 4 बार या 3 बार, कभी कभार वो मेरे ऊपर डिपेंड है कैसे मैं सोचता हूँ। मेरे रूटीन में शुरुआत से, मतलब जैसे हम लोग सुबह उठते क्या करते हैं, एक गिलास पानी पी के चाय पीते हैं, वैसे ही मेरा सोच मेरे इसीलिए शुरुआत में ही बोला, फीलिंग्स अगर आपका सही है तो आप बहुत कुछ कर लोगे, इसीलिए फील करना चाहिए। उन लोगों को भी थोड़ा सा रिफ्रेश के लिए हम ग्रीन टी प्रोवाइड करते हैं, इससे दिन का शुरुआत से ही स्ट्रेस डिप्रेशन हल्का हो जाता है और हंसी खुशी जितना उस दिन का जो उसका रूटीन है वो बहुत सुंदर तरीके से बिताते हैं। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, उसके साथ साथ भूख को भी स्टेबल रखते हैं, उसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी को जैसे मैंने बोला ग्रो करते हैं। एंटीबैक्टीरियल भी है आपके, मान लीजिए कोई भी सर्दी के टाइम पे, इसीलिए देने के लिए बोल रही हूँ इस टाइम पे। इसमें देखिए लिखा हुआ है ग्रीन टी विथ हनी लेमन, क्योंकि इसमें जो है देखने में ऐसे है, ये बैग वाला ट्री है, कोई लूज वाला नहीं है। मैं मतलब गर्म पानी में आपको ऐसे जैसे हम लोग ट्रेन में बस में पीते हैं ना, ऐसे आपको करके जब कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, आपको थोड़ा सा कालापन जैसे होता है, अब देखने में जैसे होता है ऐसे करने से आप थोड़ा सा गुनगुना विंटर सीजन में प्रोवाइड कीजिए, जो उंगली हम लोग डुबा सके या खुद पी सके वैसे ही कंडीशन में। मतलब ज़्यादा गर्म मत प्रोवाइड कर दीजिए, कॉप बर्न हो जाएगा, मर भी सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना जो सहन कर पाए अगर दोगे, बहुत रिफ्रेश महसूस करोगे। ये बच्चा रहने से टाइम पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये डाइजेशन या बच्चा के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके भीतर जो पत्ता का जूस निकलता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हर बार्ड्स के लिए। मैं सोच समझ के मैं खुद प्रयोग करता हूँ, और ये सीज़न में जब बच्चा होगा मेरे घर में, अभी तो पिछले वीक में ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था जो मटकी हमने लगा चुके हैं और पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है मेरा जो सेटअप है, ब्रीडिंग मतलब बॉक्स मटकी सब लगा चुके हैं। जब बेबी होगा मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊँगा जी ये चीज़ बना के मैं बेबी अवस्था में बार्ड्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि बार्ड्स का, बेबी बार्ड्स का जो ये जो एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये बैक्टीरिया को भी दबा देते हैं, लड़ने में ताकत देते हैं, इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं, और स्किन और फेदर में बहुत फ़ायदेमंद होता है, खाना को हजम करने में भी मदद करते हैं, वेट लॉस सबसे बड़ा चीज़ है। बहुत लोग मेरे को फ़ोन व्हाट्सअप किया दादा फैट के ऊपर, फैट मतलब ओबेसिटी को कैसे लो करे, मतलब फैट को कैसे रिलीज करे या लूज़ करे उसके ऊपर वीडियो बनाइए। एक टिप तो दे रही हूँ, ग्रीन टी अगर आप सही मात्रा में सही चीज़ में 1 लीटर पानी में इसको हमको पूछ लेना, अगर टी बैग ऐसे छोटा वाला पैक आप ख़रीदते हो, मेरे को मिला नहीं अभी, मैं तो मान लीजिए ये डस्ट वाला ख़रीदता हूँ, ये टी बैग मिला तो उठा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी मिलता नहीं है इधर, इतना इसका डिमांड है मिलता नहीं है। मैं तो खुद भी ज़्यादा नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरे बार्ड्स के लिए हमेशा मैं तैयार रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बार्ड्स को ज़रूरत है उसको इस टाइम विंटर में तो ज़्यादा ज़रूरत है। एक एनर्जी लेवल हाई होता है, क्योंकि घर में हम लोग जो गार्ड्स एग्जॉटिक बार्ड्स को पालते हैं ना, वो ज़्यादातर जो बिलोंग करते हैं गर्मी के मौसम पर, मतलब उस देश में अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, तो विंटर ज़्यादा बढ़ने से ये सारे चीज़ प्रोवाइड करने से
जैसे और एक चीज़ का नाम, जैसे अदरक का से साथ हानि मिला कर भी, इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हो मेरे जो टी के ऊपर, जो जो टी बना के, टी का मतलब ये मत सोच लीजिए उसके पत्ता रहेगा, ये तो ग्रीन टी पत्ता वाला है। टी हम लोग उसको भी बोल सकते हैं, जैसे अदरक का पानी को भी हम लोग टी बोल सकते हैं, मतलब एक हर्बल पानी भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा पानी इस टाइम विंटर में दे सकते हैं, अगर चाहो तो नीचे कमेंट्स लिखे, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो बर्ड्स के सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे वो ब्रीडिंग सीजन में हो, बेबी हो गया है उस टाइम पे हो या ऑफ ब्रीडिंग पे हो। मैंने जैसे बोला ये मेरा हर साल चलता है, विंटर में ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, ज़्यादा का मतलब डोजेज ज़्यादा नहीं, मतलब काउंटिंग बढ़ जाता है, हर दिन में एक बार करके हर बर्ड्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ और पसंद भी करता है क्योंकि हैबिट है। इसलिए इसमें आपका स्किन का जैसे ह्यूमन ये खाने से, हम लोग अगर कोई औरत मतलब लड़की लोग ये इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका बाल हमेशा ग्लेज रहेगा, स्किन हमेशा ग्लेज रहेगा, वैसे ही बर्ड्स का फेदर हमेशा गिरेगा नहीं, अननेसेसरी गिरेगा नहीं। मोल्टिंग टाइम पे अगर आप गिल्टिंग प्रोवाइड करते हो फेदर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और इसमें विटामिन ए भी होने के कारण स्किन और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतना जान लीजिए आपका बर्ड्स का मतलब स्किन हो, फेदर हो, हार्ट हो, लंग हो, इम्यूनिटी हो, डाइजेशन हो, सभी कुछ इसमें डेवलप होता है। इसलिए ग्रीन टी को ये मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ जो कभी गलत इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, या गलत इन्फॉर्मेशन है नहीं तो कैसे प्रोवाइड करूँगा, जो कुछ भी है मैंने बाखूबी से उसको जाना, सीखा, प्रैक्टिकली किया मेरे बर्ड्स के ऊपर, तभी जाके मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मन पे आएगा वीडियो बना दिया, आज का टॉपिक कुछ नहीं है तो ग्रीन टी को, ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा टॉपिक के ऊपर ही होता है। मतलब मैं एक सप्ताह का टॉपिक पहले मतलब ठीक हो, मतलब और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत लोग पूछा था हमको कल ही जो फ़ोन आया था, दादा हर एक वीडियो आपका देख रही हूँ मैं, लाइक या कभी कभी लाइक मतलब लाइक तो करता हूँ, कॉमेंट्स नहीं करता हूँ, लेकिन हर एक जब भी आते हैं हम वीडियो देखते हैं, हर एक वीडियो नया कैसे हो सकता है, आपका बहुत कुछ हर दिन सीखने को मिल रहा है। इसका एक ही कारण है मैं कभी स्क्रिप्ट करके वीडियो नहीं करता हूँ, मैं हमेशा, मैंने एक बंदा ने बोला था जो हर दिन वीडियो बनाओगे तो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो वो हमको नहीं जानते हैं। मैं कभी किसी के साथ मतलब इधर से उधर से टॉपिक उठाता नहीं हूँ, मैंने जो आज तक सीखा और हर दिन सीख रही हूँ उसी को प्रैक्टिकल टॉपिक में बनाता हूँ, इसीलिए इस चैनल पे टॉपिक का कभी कमी नहीं होगा। रिपीटेड वीडियो कभी कभी इसीलिए लाता हूँ, सुन लीजिए मेरे जो, इसलिए वो गवर्नमेंट नोटिस आया था ना, वो कमेंट्स जो हम रिपीटेड वीडियो बना के इतने सारे वीडियो, एक ही कारण देखिए, अगर आप लोगों को कुछ लोग हैं इस चैनल पे जो ये मान लीजिए इसके बारे में जो बोला एकदम से दिमाग में चला गया, कुछ लोग ऐसे हैं इसके बारे में कन्फ्यूजन में होता है क्या करूँ क्या बोला क्या ना ही बोला बहुत, क्योंकि आज के डेट में मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ तो बहुत लोग हिंदी जो बंगाली है हिंदी नहीं समझते, हमको पूछते रहते हैं दादा आपने ये टॉपिक क्या बोला था थोड़ा सा बता दीजिए, तो इसीलिए रिपीटेड वीडियो, लेकिन रिपीटेड वीडियो तो बनाता हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों में बहुत फ़र्क महसूस करोगे अगर दोनों को मतलब बीच में बगल में रख के देखोगे ना, पहले एक वीडियो को देख लो उसके बाद बी वीडियो को देखो, देखोगे टाइटल अगर सेम भी होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों में अलग अलग है, तो इसीलिए कोई इसको रिपीटेड वीडियो नहीं बोला जाता है, रिपीटेड वीडियो उसी को बोला जाता है जो एकदम डिटो कॉपी हो। तो चलिए आगे बढ़ते, तो ग्रीन टी को देने का टाइमिंग है सुबह के टाइम पे, दोपहर में भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे देने से आपका बर्ड्स एनर्जी से भर जाएगा, अगर सही से कंज्यूम करेंगे तो मतलब वो इंटैक्ट करेंगे तो सही तभी जाके होगा, अगर पहली बार दे रहे हैं तो पिएगा नहीं, आपको देता रहना चाहिए, मतलब देते देते आहिस्ता आहिस्ता जब हैबिट बन जाएगा तभी आप देखेंगे वो बहुत सुंदर तरीके से, एक लव बर्ड्स को जितना पीना है ज़रूर पियेंगे, कनूर को जितना पीना है ज़रूर पियेंगे। तो इसीलिए ग्रीन टी के ऊपर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, इसको घर में ज़रूर अपनाइए, कैसे क्या बनाना पड़ेगा अगर हो सके कल, अगर हम बहुत बिजी डे है कल, मतलब आज जो आप लोग वीडियो दे रहे हो ये शूट कर रहे हो हम रात में, क्योंकि मेरा माताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गया, मतलब वो गिर के थोड़ा सा चोट लगे, फिर भी मैंने फ़ोन कॉल से अटेंड किया, ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो वादा हम करते हैं वो निभाते हैं, कभी कभार मिस हो जाते हैं तो मैंने बार बार बोल रही हूँ बैक टू बैक फ़ोन मत कीजिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़्यादा व्हाट्सअप में देता हूँ,
क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट लगता है। हाँ, ज़रूरत पड़े ज़रूर कॉल कीजिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये रात में वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो बनाना अच्छा लगता है। गैप जाने से मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरे तो रेस्ट मिलेगा, लेकिन बहुत लोग जानता हूँ जो इसके ऊपर सीखते रहते हैं। आज के डेट में कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग देखो या ना देखो आपका प्रॉब्लम है, ये आपका बहुत लोग ये होता है जब आप लोग काम काज में है तो वीडियो देखने के लिए तो सारा दिन नहीं बैठे हुए ना, अपने काम काज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम पे आएगा। ग्रीन टी को हर स्थान पे अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आप लोग जो कोई भी दुनिया पे या यूके हो, क्योंकि यूएसए से भी ये चैनल फॉलो किया जा रहा है, मेरे गूगल एनालिटिक्स में है, प्रमाण दे सकता हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए और कनाडा। तो इसके ऊपर मैंने इसलिए बोला, हर स्थान पे ये मिल जाएगा अलग अलग कंपनी में। ये कोई मेडिसिन नहीं है, कि सप्लीमेंट है, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट है, आप लोग ज़रूर अपना सकते हो। एक लीटर पानी में कैसे कितना बैग लगेगा, अगर बैग के हिसाब से सोच रहे हैं, जैसे हम लोगों को इधर बैग है तो हम बहुत बता देंगे। मोटा मोटी पकड़ लीजिए एक या डेढ़ बैग या दो बैग भी ले सकते हो। ज़्यादा कड़ा मत करो, मतलब कलर जितना गाढ़ा होगा मतलब कड़ा हो जाएगा, कड़ा में हल्का सा टोन रखिए कलर का, वो फ़ायदेमंद होगा बार्ड्स के लिए। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। मैं पानी को इससे गर्म कर लिया हूँ। देखिए ये दोनों बैग, ये डेढ़ लीटर के हिसाब से ऐसे लग रहा है जो वीडियो में, थोड़ा सा कम पानी कम है लेकिन डेढ़ लीटर के आसपास पानी है। तो हम जस्ट इसको भिगोने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हल्का, मतलब ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ, दिखा नहीं सकते, मेरा माता जी का तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी जो करना है सो तो करना है। तो थोड़ा सा उसको रहने दीजिए, पानी का कलर बदल जाएगा तभी जाके इसको हम लोग, ज़्यादा इसको कड़ा मत कीजिए, हम लोग जैसे पीते हैं वैसे नहीं। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको हिलाते रहिए, कलर आहिस्ता चेंज होगा, फ्लेवर जा रहा है इसके भीतर। कितना करना पड़ेगा वही दिखाने के लिए वीडियो, नहीं तो ये तो कोई दिखाने वाला चीज़ नहीं है, आप लोग जानते ही हो इसमें। ये देखिए कलर बहुत चेंज हो रहा है, मैंने मिर्च में कट कर दिया था, क्योंकि पूरा ऐसे करेंगे मतलब पूरा वीडियो ऐसे करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कलर चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ये जो काला येलो स्टोन आ रहा है थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, उसके बाद इसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा नींबू और हनी का फ्लेवर भी आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें जो हनी लेमन टेस्ट भी लगता है। लेकिन बाद एक चीज़ बोल दे रही हूँ, बिना शक्कर के देना, बार्ड्स को शक्कर देना नहीं चाहिए, जैसे हम बना के दिखा रहे वैसे ही देना इसको। ठीक है, तो चल ऐसे करके आप सप्ताह में तीन बार करके आप प्रोवाइड कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, जो कर सको। ये नेसेसरी नहीं है जो आप सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन टी का कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जानते ही हो। हम किसी को ये नहीं बोल रहे मत करो, लेकिन किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, मतलब अच्छा इम्यूनिटी, डाइजेशन को इम्प्रूव करना, शरीर को स्टेबल रखना और उसके साथ साथ सर्दी जुकाम से बच जाना अच्छा लगता है। और उसको भी पीने में ये गुनगुना गर्म पानी है, पीने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हाँ देखिए अभी जितना फ्लेवर अभी जो दिख रहा है इसी के हिसाब से आप दे सकते हो, और ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। रखता हूँ, नमस्कार।